आगे हम जो भी नशा तस्कर हैं या जहाँ से वो नशा लाते हैं उनके खिलाफ़ हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, कोर्ट में पैरवी भी करेंगे ताकि उनको सज़ा हो और वो छूटे ना। अभी रिसेंटली हम लोग राजस्थान और पंजाब से जहाँ से ये लोग भी खरीद के लाते हैं उनके खिलाफ़ भी हमने कार्रवाई की है। साथ ही मैं सिरसा के सारे नागरिकों से ये भी आग्रह करूँगा कि नशे को समाप्त अगर करना है तो इसको एक सामाजिक आंदोलन बनाना पड़ेगा, और आपके घर के आसपास, आपके मोहल्लों में, आपके गांव में आपको ये ध्यान रखना है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा, कोई भी युवा नशे की गिरफ्त में ना जाए। तो कोई भी ऐसा ना हो कि वो नशा लेना शुरू कर दे, आपको मालूम ही ना हो। तो सबसे पहले तो ये जन जागरूकता हो कि कोई इस व्यसन में फंसे ना, और साथ ही जिनको नशे की लत पड़ गई हो उनके वापस रिहेबिलिटेशन के लिए, उनके डी एडिक्शन के लिए सारे लोग सहयोग करें ताकि वो नशा छोड़ सकें। तो जब कोई नशा लेने वाला बचेगा ही नहीं तो फिर ना बेचने वाले बचेंगे। और साथ ही जो पुलिस का इसमें कर्तव्य है कि हम इन जो भी नशा तस्कर हैं उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई अभी भी जारी और आगे करते रहेंगे। हम गांव में, कई गांव में कई मौजूद लोग हैं, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हैं, वो खुद हमारे पास आते हैं और हमसे बात करते हैं। हम उनसे बोलते हैं कि आप अपने गाँव में जन जागरूकता करो, कोशिश करो कि जो भी आपके गाँव के युवा मॉडल हैं, चाहे युवा रोल मॉडल हैं, चाहे स्पोर्ट्स पर्सन हो, चाहे कोई ऐसा बच्चा है पढ़ने में अच्छा है, उससे गांव में लेक्चर करवाओ, उसके प्रोग्राम करवाओ। साथ ही हमारी एक कम्युनिटी पुलिसिंग विंग है जो कि लेडी इंस्पेक्टर मंजू के अंडर में है, वो जा जा के बार बार अलग अलग जगह बैठक करती है, सेमिनार करते हैं। पिछले 4 महीने में लगभग 234 हमने सेमिनार किए हैं थाना लेवल पे भी, और ये जो हमारी टीम है उसने, और इस बार हमने महिलाओं को भी और बच्चों को भी इसमें इन्वॉल्व किया है और युवाओं को भी इन्वॉल्व किया है कि वो लोग भी आएँ और वो लोग भी इसका पार्ट हो। ये ना हो कि हम सिर्फ एक जो वो था कुछ सिटीजन से मिल लिए, बल्कि महिलाएं हैं, जो गृहणियां हैं, वो सब आएँ इसमें और हमारा सहयोग करें, हमसे सुने। और हमारा जहाँ भी आपको सहयोग चाहिए हो, हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है और एक हेल्पलाइन है जो पहले से ही जारी है, वो भी आपको अगर कहीं लगता है कि कोई नशा तस्कर है तो उसके विषय में आप लोग हमको जानकारी दें। पर फिर मैंने कहा कि जब तक पूरा समाज, सारे एनजीओ और सारी संस्थाएं सिरसा के साथ में नहीं आएंगी तब तक हम नशा को जड़ से समाप्त नहीं कर सकते, और हमारा पूरा पूरा सहयोग आप सबको है उसमें। जो भी है कि अगर कोई ऐसा पुलिस का कर्मी है जिसका मॉलिफाइड इंटेंशन है बुरी नियत से, या उसने ऐसा कोई काम किया है कि जिसमें सही में संदेह पैदा होता है और गलत भी है, तो उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त विभागीय कार्रवाई होगी। और जो भी हो, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अगर वो नशे के ट्रेड में इन्वॉल्व है तो उसके खिलाफ़ हमारा बिल्कुल ये दृढ़ निश्चय है, प्रतिज्ञा है कि हम उसके खिलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अब जैसे मीटिंग हुई उसके बाद से हमारा काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन बना है, पंजाब के तीनों ज़िले जो हमें बॉर्डर करते हैं, साथ ही हनुमानगढ़ ज़िले से, और हम इसको और अलग लेवल पर ले जा रहे हैं कि हम अगर जॉइंट रेड्स की आवश्यकता हो तो जॉइंट रेड हो दोनों की पुलिस की, क्योंकि कई बार ऐसे ठिकाने होते हैं कि बिना लोकल पुलिस के हेल्प के वहाँ पर हम लोग रेड नहीं कर सकते। तो अभी उसके अच्छे कुछ रिजल्ट भी आए हैं रिसेंटली, जो हमारी टीम वहाँ पहुँची है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द फिर से हमारी जो है हमारे बॉर्डर ज़िले हैं उनके साथ मीटिंग हो और इसका एक जॉइंट एफर्ट हो ताकि जो इंटर स्टेट क्रिमिनल हैं, जो बॉर्डर पे गड़बड़ी कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकें। बिल्कुल, हम अब उन गाँवों को आइडेंटिफाई करेंगे कि जहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो नशा है, और निश्चित रूप से वो गाँव दूसरों के लिए आदर्श हैं, वहाँ के जो मौजूद लोग हैं वो दूसरों के लिए आदर्श हैं, तो उनको हम एज ए रोल मॉडल रखेंगे दूसरे गाँव के लिए भी कि अगर वहाँ नशा नहीं है तो उन्होंने कैसे ये उपलब्धि प्राप्त की है। तो ये एक अच्छा आइडिया आप ही के लोगों के थ्रू मिला है, और हम उनको आइडेंटिफाई करके निश्चित रूप से ये उनका एक सकारात्मक जो इसमें रोल रहा है वो समाज के सामने हाईलाइट करेंगे।